हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन पाइपलाइंस डिवीजन के लिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। इसकी बाकी के डिटेल के लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो नोटिफिकेशन है ये आपकी 29/8/2019 को जारी हुई है और जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके 2/9/2019 से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 23/9/2019 तक। यहाँ पर फ्रेंड्स जो पोस्ट है आपकी वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो कि पाइपलाइन डिवीजन के अंतर्गत निकाली गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइन मिलती है एलिजिबल इंडियंस नेशनल के लिए, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इनवाइट की गई है, मतलब सभी इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रीजन दिया गया है, साथ में स्टेट दिया गया है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट दी गई है, साथ में पोस्ट कोड आपको दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी वैकेंसीज है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं जो कि कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर डिवाइडेड है। आप इनको चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए या किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस चीज़ की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो 18 से 26 साल आपकी एज यहाँ पर रखी गई है और जो एज रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको जो मिलता है अपर एज में वो आपको यहाँ मिल जाएगा और जो एज लिमिट है ये आपकी काउंट होगी 29/8/2019 को, मतलब जो एक क्राइटेरिया है 29/8/2019 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर जो है ग्रेड 5 TNI में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स अगर आपने ITI से सीधा जो है आपने जो है लेटर एंट्री के थ्रू यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज आपको बताई गई हैं जो कि आपके जनरल OBC के लिए हैं। यदि आप SC ST PWD हैं तो आपसे पास आउट भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट के लिए है तो 10th पास प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और जो रिलेवेंट फील्ड है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ITI ट्रेड के अंतर्गत दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स आपके मिनिमम ड्यूरेशन है कोर्स की, तो फ्रेंड्स आप वो देख सकते हैं इतने साल का आपके पास जो है कोर्स या फिर ITI आपके पास कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि आपकी जो भी एज है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सभी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 29/8/2019 तक, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपीज़ रखी गई है जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। यदि फ्रेंड्स आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है, फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं जो कि SBI कैलेट के थ्रू आप यहां पर इस फीस को जमा कराएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको कंसेशन एंड रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो कि एज क्राइटेरिया से रिलेटेड हैं, तो आप यहां पर अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपनी छूट को देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन मेथोलॉजी दी गई है, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल या प्रोफेंसी या फिजिकल टेस्ट बेस पर आपका होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स 40% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में क्वालिफाई के लिए आपको चाहिए, पर यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन या PWD हैं तो आपको फ्रेंड्स 30% मार्क्स यहाँ पर कम से कम पास होने के लिए लेके आने होंगे। इसके बाद यहाँ पर रिटन टेस्ट आपका कैसे कैसे होने वाला है, तो MCQ लेवल का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपके रिटन टेस्ट में आने वाले हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का आपका रहेगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम के लिए नहीं रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका क्या जो है सिस्टम रहेगा रिटन एग्जाम का। इसके बाद यहाँ पर है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, और नीचे आपको दिया गया है टेक्निकल अटेंडेंट के लिए कि आपका क्या पैटर्न यहां पर रहने वाला है आपके रिटन एग्जाम का, वो आपको दिया गया है। तीनों ही वैकेंसी या तीनों ही पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपके लिए नो नेगेटिव मार्किंग है और आपका जो रिटन एग्जाम है वो 90 मिनट्स का आपका यहां पर होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्किल या प्रोफेंसी या फिजिकल टेस्ट की डिटेल आपको दी गई है, तो आप इनको अपनी कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज आप इस डिटेल को चेक
कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास है तो मेडिकल फिटनेस आपको यहाँ पर देना होगा और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे जब इसके जो डेट है वेरिफिकेशन की वो जारी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको एलजीटी क्राइटेरिया को आराम से फॉर्म को फिल करने से पहले पढ़ लेना है। आपकी जो सर्विस है वो ट्रांसफरेबल है कि एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। फ्रेंड्स यदि आपके पास अपर डिग्री है, मतलब आपने डिप्लोमा या आईटीआई से ज़्यादा आपने यहाँ पर डिग्री आपके पास है, तो फ्रेंड्स आप इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ कहा गया है नीड नॉट अप्लाई, तो यहां पर फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी की जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ले लीजिए, आपको यहां पर कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल दी गई है। और लास्ट में हम फिर से बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के लिए, तो आप यहां पर 2/9 से 23/9 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स वो 5/10 से आपका 20/10 के दौरान होगा। रिटर्न टेस्ट जो है आपका वो 20/10 को होने वाला है और आपका जो भी टेंटेटिव डेट है वो एसपीपीटी के लिए वो आपकी 21/10 को रखी गई है। और ये 21/10 को कंप्लीट नहीं होता है तो 22/10/2019 को ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो भी जानकारी मिली है वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड अलास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।